हेलो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं टीसीएस के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार बिकवाली देख रहे थे। ये देखिए, ये अपने उच्चतम स्तर लगभग 3,350 से ये लगातार इसमें बिकवाली के बाद इसने 2,850 के लेवल को छुआ था। उसके बाद इसमें तेजी बनते हुए देखने को मिल रही है। तो हम लोग इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो टीसीएस में बिकवाली का दौर चल रहा था वो क्या खत्म हो चुका है। ये स्टॉक जो है इन स्तरों से बाउंस बैक देता हुआ देखने को मिल रहा है, और ये जो बाउंस बैक देखने को मिल रहा है वो क्या आगे भी जारी रहेगी, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके जो रिटर्न है पास्ट के उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले एक सप्ताह में इसने 1% का रिटर्न दिया है, पिछले एक महीना में इसमें 6% की गिरावट देखने को मिली। जनवरी से अभी तक इसने तकरीबन 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, पिछले एक साल में ये 50% का रिटर्न दिया, पिछले तीन साल में 100% का रिटर्न दिया, पिछले पांच साल में 160% का रिटर्न दिया, पिछले 10 साल में ये 435% का रिटर्न दिया है। यानी कि ये पिछले 10 साल में अपने निवेशकों का पैसा 4 गुना से ज्यादा कर चुकी है। दोस्तों, ये सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन की बात मैं कर रहा हूँ, इसके अलावा टीसीएस काफी हेफ्टी डिविडेंड भी अपने निवेशकों के बीच में बांटती है, उसकी चर्चा इसमें मैं नहीं कर रहा हूं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि टीसीएस के जो पास्ट के रिटर्न हैं वो काफी बेहतरीन देखने को मिले हैं। तो अब हम लोग इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इसमें गिरावट देखने को मिल रही थी, दोस्तों ये देखिए, क्या ये जो बाउंस बैक देता हुआ देखने को मिल रहा है ये क्या सस्टेनेबल है, इस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अगर हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसके टीसीएस के लाइफ टाइम ग्राफ को देखें तो ये कैसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कैसा देखने को मिल रहा है, ये लगातार ये स्टॉक जो है बुलिश फेज में चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लॉकडाउन के बाद से तो ये रॉकेट बन चुका है, और इसमें काफी दिनों बाद इतनी गिरावट देखने को मिली थी, अब इसमें तेजी बन रही है। तो हम लोग कैसे जाने कि ये तेजी आगे भी सस्टेनेबल है या नहीं, तो इसको जानने के लिए दोस्तों इसके फंडामेंटल को चेक करना पड़ेगा कि इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करें टीसीएस की, तो ये तकरीबन 11 लाख करोड़ से ज्यादा देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 37.2% है, जो कि काफी बेहतरीन है। इतनी बड़ी कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी इतने बेहतर वो काफी कम देखने को मिलते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये तो और भी बेहतरीन है, 47.8 या बोलिए 48%। डेट इक्विटी ऑलमोस्ट जीरो, प्रमोटर्स होल्डिंग 72%, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 58 times, काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड 1.1%। तो कुल मिलाकर के फाइनेंशियल ओवरव्यू में टीसीएस के फंडामेंटल्स काफी सही देखने को मिल रहे हैं। और जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कि इसने अपने निवेशकों का पैसा पिछले 10 साल में 4 गुना से ज्यादा करके दिया है, तो कहीं ना कहीं इसके फंडामेंटल्स भी हम लोगों को मजबूत मिलने चाहिए। तो स्क्रीन पर हम लोग एनुअल रिजल्ट देख रहे हैं FY9 से लेकर FY20 तक टीसीएस के, तो इनके सेल्स जो है देखिए दोस्तों, ये लगातार साल दर साल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर फॉर द पीरियड 2009 से 2020 की बात करें तो इनके जो सेल्स हैं यहाँ पर देखिए, इसमें 6 गुना से ज्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। और सेम पीरियड में नेट प्रॉफिट देखिए, ये 5,256 करोड़ से बढ़ करके ये कितना हो गया है दोस्तों, FY20 में ये 32,000 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में सेम पीरियड में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी 6 गुना का जंप देखने को मिल रहा है। तो सेल्स भी इनके 6 गुना बढ़े FY9 से FY20 तक, और नेट प्रॉफिट भी 6 गुना बढ़ते हुए हम लोगों ने देखे। तो हम लोग ये कह सकते हैं ये कंपनी काफी अच्छे ढंग से अपने बिजनेस को रन कर रही है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बैलेंस शीट में इनके रिजर्व बढ़े या नहीं। इनका रिजर्व FY9 में 15,000 करोड़ देखने को मिल रहा था, जो कि साल दर साल धीरे धीरे बढ़ता हुआ FY20 में आकर के 83,000 करोड़ हो गया। सितंबर क्वार्टर में ये इनका लगभग 95,000 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इनके जो रिजर्व है वो भी काफी तेज गति से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं। तो कुल मिला के हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स बेहद ही मजबूत हैं। अब जब कंपनी इतना नेट प्रॉफिट कमा रही है तो ये अपने निवेशकों को कितना डिविडेंड बांटती है उसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों,
ये कंपनी जो है लगातार डिविडेंड अपने निवेशकों के बीच में बांटती है। अब कहीं काफी पुराना हिस्ट्री भी देखिएगा तो ये डिविडेंड बांटती है, ये देखिए इसने बोनस भी दिया है और हाल में ही इन्होंने बायबैक किया था शेयर को 3000 के रेट पर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो TCS है इसके फंडामेंटल्स काफी मजबूत रहे हैं, काफी अच्छा सेट ऑफ नंबर्स हम निवेशकों के बीच में लेकर के आई है, तो इस वजह से इसने अपने निवेशकों को काफी तगड़ा रिटर्न दिया है। तो अब हम लोग कैसे जाने कि ये स्टॉक इन स्तरों से ऊपर जाएगा या फिर इसमें करेक्शन हावी हो जाएगा, तो इसके लिए इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट रहे हैं लेटेस्ट के उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कैसे देखने को मिले हैं। TCS के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो सेप्टेम्बर क्वार्टर के रेस्पेक्ट में दिसंबर क्वार्टर में इनके नेट सेल्स में तकरीबन 5% की ग्रोथ हम लोगों ने देखी और वहीं पर इनके नेट प्रॉफिट में इन दो क्वार्टरों के बीच में तकरीबन 16.5% का हम लोगों ने ग्रोथ देखा था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके रिजल्ट काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इनके रिजल्ट को देख लेते हैं तो दिसंबर 19 के रेस्पेक्ट में दिसंबर 20 के क्वार्टर में इनके नेट सेल्स में तकरीबन 5.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं पर इनके नेट प्रॉफिट में हम लोगों को तकरीबन 7% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने पाया कि TCS के जो ईयर ऑन ईयर एनुअल रिजल्ट रहे हैं वो काफी शानदार देखने को मिले हैं और क्वार्टरली रिजल्ट भी न केवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बल्कि ईयर ऑन ईयर काफी शानदार देखने को मिले हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इसके क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट आएंगे जो कि अप्रैल मंथ में किसी भी दिन आ सकते हैं तो वो भी काफी शानदार देखने को मिलेंगे। अब आते हैं इसके चार्ट पर दोस्तों, टेक्निकल चार्ट पर जो कि डेली चार्ट हम लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। तो अब जब इनके क्वार्टर फोर के रिजल्ट अच्छे आएंगे तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि ये शेयर इस लेवल से ऊपर जाता हुआ हम लोगों को देखने को मिलेगा। और टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें तो ये स्टॉक जो है अपने 100 डेज एमा को जस्ट छू करके ये बाउंस बैक देता हुआ देखने को मिल रहा है और अभी ये 50 डेज एमा के आसपास ये क्लोज होता हुआ देखने को मिला है और अपने ये 200 डेज एमा से काफी ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये ऊपरी लेवल से इसमें लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जो ये इसमें तेजी बन रही है वो आने वाले दिनों में जारी रह सकती है। तो अब बात करते हैं कि किस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है। तो हम लोगों ने कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस यहाँ पर ऑलरेडी खींच रखे हैं, उस पर अगर हम लोग ध्यान दें दोस्तों तो जो ये शेयर है इसका जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा वो तकरीबन 3335 रुपए जो कि इसका प्रीवियस हाई था उस लेवल पर ही आता है। और जब भी ये स्टॉक इस लेवल को पार करेगा तो इस स्टॉक में काफी तेजी हम लोग बनता हुआ देखेंगे जो कि इस स्टॉक को किस लेवल तक ले जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 3600 का लेवल यहाँ पर साफ साफ देखने को मिल रहा है। तो जब भी इस स्टॉक में जो अभी तेजी बनी है और ये स्टॉक प्रीवियस हाई से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो इसमें काफी शानदार तेजी बनेगी और वो तेजी इस स्टॉक को 3600 रुपए तक ले जाने की क्षमता रखेगा, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं और इसके टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर हम लोग ये बोल सकते हैं। और फंडामेंटली तो इसके जो रिजल्ट रहे हैं वो काफी स्ट्रांग देखने को मिले हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और अगर आपको पसंद आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़ें और आपको लग रहा है कि मैं व्यूअर्स के लिए अच्छा काम कर रहा हूं तो लाइक भी करें और कमेंट अवश्य करें। और अभी तक आपने अपना बहुमूल्य समय देकर के मेरा वीडियो देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप उम्मीद है कि मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।